बाकी यार लोकेशन देखिए आप। भाई यार आधा घंटा वेट करने के बाद ना थोड़ी सी बारिश अभी कम हुई है और टाइम आपको बता दूँ तो टाइम शाम के 6 बज चुके हैं। लगभग आधे एक घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा, तो जल्दी से एक कैंपिंग लोकेशन ढूंढते हैं अच्छी वाली और फिर जाके यार टेंट वगैरह लगाते हैं और बढ़िया से कैंपिंग करेंगे। बाकी ऐसा कुछ रूट है सब रह जाएगी दोबारा बारिश हो तेज फैन लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू कैंपिंग वीडियो। तो यार फाइनली बारिश में भीगते भीगते अपने कैंपिंग लोकेशन में पहुंच चुके हैं और आज की कैंपिंग अपनी हो रही है बागेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर मनकोट वाली जगह पे, मनकोट पे। और यार एक बार लोकेशन देखिए आप, क्या प्यारी लोकेशन है। तो बारिश दोबारा से तेज़ होने लग गई है और ये देखिए पूरा कोहरा ऊपर को उठने लग गया है। तो इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जल्दी से अब अपना टेंट पिच करते हैं और साथ में आज अपने हैं हर्षु भाई, जो कि आज इनकी पहली कैंपिंग अपने साथ होने वाली है। तो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हमको भी कैंपिंग करनी है, तो आज हमारे साथ हैं हर्षु तिवारी भाई। तो चलिए दोबारा ये देखिए पूरा फॉग उठने लग गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैटिंग वगैरह कर लेते हैं अंदर। और यार बाहर हल्की लगी करके बारिश कंटिन्यू है, तो चल इसको बिठा लेते हैं। तो समय हो गया शाम के 7:03, तो अभी तक का यार एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। और हर्षु भाई आज हमारे साथ नए जुड़ रखे हैं, तो उनको भी पूछेंगे आज पहला एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का।
यार एक्सपीरियंस तुम्हारी एक्सट्रीम लेवल का है, मतलब कि जो एंड होता है ना वाला एक्सपीरियंस है यार। और मतलब मेरा ये पहला या दूसरा ही टाइम है कैंपिंग का, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे हमने किए नहीं है, और हमारे अस्सू भाई आज हमें मतलब इनके साथ आने का वो हुआ है, तो मतलब एक एक्सट्रीम मतलब जो मज़ा है ना भाई, एंड वाला मज़ा जिसे कहते हैं ना, वो मज़ा मुझे आ रहा है भाई। और ये लोकेशन प्लस व्यू प्लस रेन भाई एक नंबर मज़ा आ रहा है। आधे सुबह बनाएंगे और यार बाहर ना बहुत तेज लाइटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज, और बादल भी बहुत तेज गरज रहे हैं। एक नंबर भाई, थोड़ा सा मीठा जाना है मुझे। बाहर चल रही है कंटिन्यू बारिश, और ऐसे मौसम है यार, कॉफ़ी मिल जाए गरम गरम, तो फिर ये है ना, ये बातें कहने की नहीं होती है, बस ये फील कर सकते हैं हम बस, और आपको दिखा के फील कर सकते हैं। हम यहाँ पे खुद फील कर रहे हैं, थंडर स्टॉर्म भी चल रहा है बाहर। साथ में हम खाएंगे बिस्किट। कैसा एक्सपीरियंस है? एक नंबर भाई, मज़ा आ गया ना बहुत। बाहर बारिश हो रही है, और यार फैन की उतनी नीड नहीं थी, बट ये आज एग्जॉस्ट का काम करेगा अपना, तो ये हमने फैन चला रखा है। ठीक है, थोड़ा सा वो टेंट भी अपना कूल रहेगा। ओके गाइस, रात के 8:22 हो चुके हैं, बारिश कंटिन्यू चल रही है यार। और ना बारिश तो ठीक है, बट यार साथ में लाइटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइटिंग और थंडरस्टॉर्म बहुत तेज़ चल रहे हैं। तो अब करते हैं डिनर, बनाते हैं आराम से, क्योंकि 10 जाएंगे आराम से अपने डिनर पकते पकते। तो सबसे पहले राइस कुक करते हैं। चावल बना लेते हैं, फिर साथ में टॉपिंग करेंगे, तब तक टॉपिंग भी हो जाएगी और चावल भी बन जाएंगे। बहुत है ना? हाँ, ज़्यादा भी हल्दी। हाँ बस ठीक, इनको एक बार वॉश कर लेता हूँ।
बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश। अब नॉन स्टॉप बारिश, लाइटिंग प्लस थंडर स्टॉर्म चल रहा है, तीनों एक ही साथ हो रहे हैं। तो चावल तो अपने बन के रेडी हैं, अब बनाएंगे हम बढ़िया सा मटर पनीर। वैसे तो चिकन बनाने का मन था, बट अब सुबह अपना चिकन नहीं खाते, तो आज मटर पनीर बनाएंगे बढ़िया। थोड़ा सा गर्मी लगने लग गया है क्योंकि यार पेड़ हैं अगल बगल, वैसे टेंट के ऊपर तो नहीं आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ हैं यार फूल के। तो अब थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और बहुत तेज बादल भी रखने की आवाज़ आ रही है। एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इसके नीचे पे ना पानी इकट्ठा हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे हो रहा अपना ऑयल गरम, और मैंने थोड़ा सा फ़ैन चला दिया है ताकि इसका जो धुआं है ना वो बाहर हो जाए, क्योंकि फिर देखिए हल्के फुल्के आंसू आने लगेंगे। प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। साथ में नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर ना गल जाए। खराब हो जाएगा, वैसे खराब हो जाता है टमाटर। हाँ ओके, बोलिए मैं रखिए।
वैसे मुझे पता बहुत है। सबसे पहले धनिया, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, सफल मटर है ये, पके ही होते हैं। थोड़ा आप पानी ऐड कर दिए, थोड़ा सा इस ग्रेवी को पकने देते हैं, फिर जाके पनीर ऐड करेंगे क्यों। बाकी आप पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, नाम तो मुझे याद नहीं है, वो कह रहे थे कि पालक पनीर बनाना, बट ये आजकल पालक अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो फिर मटर पनीर हमने चूज किया। रात के 10:11 हो गया टाइम, और अब जाके अपना डिनर रेडी है। ये देखिए बड़े सा मटर पनीर और राइस, ऊपर से थोड़ा सा ये हम कच्चा पनीर स्प्रिंकल कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बच गया था अपने पास। बढ़िया खाएं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और बाहर कंटिन्यू हल्की हल्की अभी बारिश चल रही है, तो चलिए परोसते हैं प्लेट्स में एंड करते हैं स्टार्ट। चावल थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे में ठंडा ही हो जाएगा, बट कोई नहीं। पनीर गर्म है क्यों, पनीर एक नंबर गर्म है। इक्वेशन मैच हो नीचे बस, बाकी तो क्या है, एक चीज़ गर्म चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पनीर गर्म है अपने पास। भाई क्या शानदार लग रहा है, मज़ा आया। थोड़ा सा पनीर टूट गया ना, बट कोई नहीं, ये लक काफ़ी प्यारा लग रहा है। कम ये लग गई है प्लेट, तो चले अब करते हैं टेस्ट। चलो भाई यार बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, और एक तो आज सच में कह रहा हूँ ठंडा हो रहा है सच में। थोड़ा प्याज नहीं रखा हमने सलाद के लिए, काट दिए सब। तुम ही बताओ। एक नंबर बनाया भाई, एक नंबर पनीर बनाया भाई, मतलब जैसा सोचा था उससे ऊपर ही बनाया भाई। फिर भी अपने वहां पनीर मसाला नहीं था, पनीर मसाला नहीं था, बस नॉर्मल मसाले थे नॉर्मल। एक नंबर भाई, मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाई। और बारिश रुक चुकी है। और यार जो पैकेट वाला पनीर लाता हूँ मैं रेगुलरली, उससे ये काफ़ी बेटर है। ये डेयरी वाला होगा ना, हाँ ये मतलब यहीं का बना हुआ है, लोकली का बना हुआ है, और ये ज़्यादा जल्दी मेल्ट भी नहीं हो रहा है, सॉलिड रह रहा है। इतने बारिश में ना इतना सा खाना बना है वही बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो चलिए आराम से डिनर एंजॉय करेंगे,
कोई जल्दीबाजी नहीं अब, क्योंकि यार सभी काम खाने के लिए होता है, तो खाना ही अगर अच्छे से नहीं बनाएंगे, अच्छे से नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा कैंपिंग में। तो मेरा ज़्यादा ध्यान खाने में ही रहता है। टाइम लगभग 11 बजने वाले हैं और बढ़िया से अपना डिनर हो चुका है, और कुछ ज़्यादा ही डिनर हो चुका है। चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, तो ऐसे में कुछ जानवर आएगा भी ना तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। चलिए अब घुसते हैं टेंट के अंदर और सोते हैं यार, बाकी मिलते हैं आपको सुबह। बाकी यार दिन के मौसम को देख के ना मैं ये बेडशीट लाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दिन में, और अभी यार थोड़ी सी कपकपी छूट रही है और ठंडा हो गया मौसम पूरा। तो बाकी हर सुबह ही तो सो गए, बाकी मिलते हैं आपको सुबह बढ़िया नज़ारों के साथ। तो यार तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के टाइम 6:30 हो रहे हैं, और यार बहुत शानदार सुबह, बिल्कुल बारिश के ही साथ सुबह हो रही है। पूरी रात बिल्कुल बारिश कंटिन्यू चल रही थी, और यार पीछे देख रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े पेड़ थे यार। एक बार तो ना बहुत ज़्यादा मैं बता रहा था आपको कि डर लग गई थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ज़ोर से बिल्कुल थंडर स्टॉर्म चल रहा था रात को। बट ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया नींद आई रात को। और मैं बता रहा था ना आपको कि मैंने कल शाम अपना जो वेस्ट फूड था बचा हुआ वो यहाँ पे रखा हुआ था, जिसमें कि चावल भी था और पनीर भी था। बट जिसने भी खाया वो देखिए पनीर ही पनीर खा के गया, और चावल वैसे रख के गया, कुछ ऐसी जानवर होगा। बाकी यार लोकेशन देखिए आप, मज़ा आया तो यार एक लाइक जरूर करना। हर्षु भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल फैमिलीज। कैसी नींद आई? आई नींद भाई? नींद तो भाई आ रही थी, नींद हाँ। भी आ रही थी भाई, मतलब। और तुम कहे तो कुछ आवाज भी आ रही थी रात को। हाँ भाई, मैं तो भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस आया रात को, मतलब ऐसी ऐसी आवाज है भाई। तो सोया था लेकिन मुझे तो भाई खतरनाक, भाई डर चुका था भाई मैं पूरी तरीके से। ठीक, कोई नहीं भाई, बता रहे उनको कुछ आवाज़ें आ रही थी, बट यार मुझे तो बिल्कुल भी कुछ आई नहीं, क्योंकि मैं फुल नींद में था। तो चलिए अभी यार इस मौसम में फिर बढ़िया से कॉफ़ी बनाते हैं, और बारिश कंटिन्यू चल रही है हल्की हल्की, तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं इस शानदार व्यू के साथ।
भाई सच बता रहा हूँ, पहली बार यार इतना ठंडा फील हो रहा है। और जो नीचे का फॉग है ना, अब वो थोड़ा सा ऊपर को आने लग गया है और पूरा फॉगी फॉगी सा वेदर हो रहा है पीछे। बाकी बारिश कंटिन्यू चल रही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो एक बार सुना देता हूँ, ये देखिए। फुल बारिश चल रही है और मैं बाहर पे कॉफ़ी बना रहा हूँ। भाई यार अभी मौसम पूरा ज़्यादा पूरा ढक चुका है, अब पता नहीं कब खुलेगा। बाकी फाइनली कॉफ़ी बन चुकी है और आगे का व्यू दिखाऊं, ये देखिए। ये देखिए नीचे अपना है बागेश्वर शहर और यहाँ कुछ ऐसा व्यू है, ये देखिए। बहुत समय बाद यार इतने अच्छे लोकेशन में कैंप कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ यार, अनएक्सपेक्टेड यार। मैं बस आपको ना दिखा के फील करा सकता हूँ, जो यहाँ पे प्रेजेंट में फील कर रहा हूँ वो भाई आप नहीं कर सकते हो। ये देखिए यार यहाँ पर अपनी कॉफ़ी है और उस साइड देखिए पूरा नीला आसमान और बीच बीच में बिल्कुल बादल फ्लोट कर रहे हैं यार, वाह। लव दिस कैंपिंग सच में यार। अभी यार कुछ समय यहाँ पे मैं बिताऊंगा, मेरा अभी मन नहीं है यहाँ से निकलने का। कॉफ़ी के बाद अपनी ये बन रही है मैगी। ओके गाइस यार अपनी मैगी बन के रेडी है और अब हल्की हल्की करके धूप आने लग गई है और साथ में एक कोहरा भी घूम रहा है धूप के साथ, तो अभी के लिए मैगी एंजॉय करते हैं और फिर जाके निकलेंगे इस प्यारे इस लोकेशन से। बाकी समझ नहीं आ रहा धुंध कहाँ से आ रही है बार बार। बहुत शानदार मैगी। मैगी वगैरह खा ली है और आई होप आपने बढ़िया से टाइम लैप्स इन्जॉय किया होगा। तो अब बारी यार यहाँ से निकलने की, मन तो नहीं कर रहे हैं ऐसे निकलने का बट क्या करें, जाना पड़ेगा। तो करते हैं अब टेंट वगैरह पैक और फिर निकलते हैं यार इस प्यार इसी लोकेशन से घर के लिए। बाकी हर्षो भाई भी अब निकलेंगे, बाय बाय कर दो भाई। बाय गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलिए मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए कैंपिंग वीडियो के साथ और ऐसे ही बेहतरीन लोकेशन पे। तो टिल डेट बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड दोस्तों, लव यू, बाय बाय।